अगर आपको हैरियर का एक्सटीरियर पसंद है लेकिन इंटीरियर आउटडेटेड लगता है तो देखते रहो ये वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में मैं डिजाइन करूंगा हैरियर का न्यू इंटीरियर। तो इस हफ्ते मैंने YouTube के लिए कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था और मैं यही सोच रहा था कि क्या अपलोड करूं चैनल पे। तभी मुझे याद आया कि मैंने कुछ टाइम पहले हैरियर का न्यू इंटीरियर डिजाइन किया था और वो वीडियो अभी भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप चाहो तो देख सकते हो, आई बटन पे उसका लिंक आ रहा होगा। पर वो वीडियो बहुत लंबी थी, अराउंड 6.5 मिनट की, और इतनी लंबी वीडियो कोई नहीं देखता। तो आज आपको ये वीडियो बिना स्किप करे देखनी है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने शुरुआत की सब कुछ ब्लैंक करके और बेस लेयर बनाई मेरे डिजाइन के अकॉर्डिंग। फिर मैंने कस्टमाइज किया इसका डैशबोर्ड और इसकी विंडोज जो कुछ ऐसी दिखती है। फिर मैंने ऐड किए इसके साइड वाले एसी वेंट्स। फिर मैंने डैशबोर्ड के नीचे ऐड किया टाटा का न्यू लोगो जो किसी पर्पस के लिए है, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। इसके बाद मैंने ऐड की वो चीज जो सभी हैरियर के ओनर्स को चाहिए, विच इज डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और एक बड़ी सी स्क्रीन जैसी आपको XUV700 में मिलती है। अब आती है इसके स्टेयरिंग व्हील की बारी, जो बिल्कुल कर्व जैसा ही है पर डिफरेंट है। और इसके बीच में आपको टाटा का न्यू लोगो मिलता है और इसके नीचे हैरियर लिखा हुआ है जो इल्यूमिनेटेड है। इसके बाद मैंने ऐड किए मीडिया कंट्रोल्स और क्लाइमेट कंट्रोल, जो मेरा डिजाइन करने का बिल्कुल मन नहीं था, तो मैंने ऐसे ही वेलार से उठा के इसमें डाल दिए, जो कि कुछ ऐसे दिखते हैं। आप कमेंट से बताओ सही है या नहीं। फिर सेंटर कंसोल में मैंने ऐड किए कप होल्डर्स, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक और गियर सिलेक्टर क्राउन जो इल्यूमिनेटेड है और आपको नेक्सोन ईवी मैक्स में मिलता है। फिर मैंने इस वाली गार्निश को थोड़ा मॉडिफाई किया जो कुछ ऐसी दिखती है। फिर मैंने ऐड किया ये व्हाइट और गोल्डन कलर का मार्बल फिनिश डैशबोर्ड के नीचे। अब हुआ ये रेंडर कम्प्लीट जो आपके सामने है। और आप देखो कि ये टाटा का लोगो सिर्फ लोगो नहीं है, ये हैरियर की एम्बिएंट लाइटिंग है जो कुछ ऐसी दिखती है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो लाइक करके जाना और कमेंट्स में बताओ आपको ये रेंडर पसंद आया है या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस।